हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देती मन। केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से वैकेंसी आई है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को पहले से ही भरकर नहीं भेजना है, केवल स्कूल में साक्षात्कार के दिन आप लोगों को समय पर पहुँच जाना है। सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। टीजीटी अंग्रेजी मैथ की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, करियर गाइडेंस एवं काउंसलर की वैकेंसी है, नृत्य संगीत की है, डॉक्टर की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी भौतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की वैकेंसी है। पीजीटी में आप सभी जानते हैं 50% अंक के साथ जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और साथ में बीएड मांगा गया है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर आपने बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी से, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से 50% अंकों के साथ की है, या बीटेक भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नृत्य एवं संगीत के लिए 50% अंक के साथ डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलर के लिए आप ध्यान दें, यहाँ पर एमए या एमएससी साइकोलॉजी से 1 वर्ष का मार्गदर्शन एवं परामर्श में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या स्नातकोत्तर के साथ बीएड तथा 1 वर्ष का मार्गदर्शन एवं परामर्श में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। टीजीटी और पीआरटी के लिए यहाँ पर सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं है वो भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और जिनका सीटेट कंप्लीट है, जिनके पास मार्कशीट है, उन सीटेट योग्यताधारी को वरीयता प्रदान की जाएगी। टीजीटी के लिए 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन स्नातक कंप्लीट की हो और साथ में बीएड कंपलसरी है। पीआरटी के लिए 12th 50% अंकों के साथ में, और उसके साथ में जेबीटी, बीटीआई या डीएड या डीलेड या बीटीसी भी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर इंटरव्यू के दिन जा सकते हैं। सभी का इंटरव्यू जो है 23 सितंबर को होगा। 19 सितंबर को ही जो है एडवर्टीजमेंट जारी की गई मेन वेबसाइट पर, और 23 सितंबर को जो है साक्षात्कार होने वाला है, यानी कि बहुत जल्दी ही जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। सैलरी यहाँ पर टीजीटी में 26,250 प्रति माह, 26,250, पीआरटी के लिए 21,250, कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलर के लिए 21,250, प्रशिक्षक नृत्य एवं संगीत में 21,250, उसके बाद जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 27,500 प्रति माह, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं पीजीटी के लिए 27,500 प्रति माह। इतना ही है, केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से वैकेंसी आई है, और ये कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है, पूर्व वर्धमान। ठीक है, तो 19 सितंबर को एडवर्टीजमेंट जारी की गई और 23 सितंबर को इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही आप लोगों को पहले से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्कूल में जाकर ही साक्षात्कार के दिन सभी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल छाया प्रति व पासपोर्ट साइज फोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार के लिए सुबह 8 बजे उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। सी टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान की जाएगी। आवश्यकता अनुसार वर्णित पदों हेतु लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो भी शब्द लगा है, यानी कि अभी तो नहीं है परीक्षा, अब ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ है तो हो सकता है लिखित परीक्षा हो जाए, बाकी अभी तो केवल वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। उम्र यहाँ पर 18 से 65 साल रहने वाली है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, आप सभी जानते हैं, अभी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। आप लोगों को बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, जो भी नजदीक रहते हैं पश्चिमी बंगाल में जॉब करना चाहते हैं या जिनको अर्जेंट जॉब की जरूरत है, बिल्कुल जाना चाहिए। इतनी अच्छी सैलरी के साथ केंद्रीय विद्यालय में 1 साल भी आप अगर यहाँ जॉब कर लेते हैं तो आपके हाथ में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवीएस का आ जाता है। आगे फ्यूचर में केंद्रीय विद्यालय से जब भी वैकेंसी निकलेगी, सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी आप लोगों को ही मिलेगी। बाकी आप देखते हैं बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जहां पर एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है, अच्छी सैलरी तभी वहां पर दी जाती है। तो मेन वेबसाइट पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ कोलकाता, अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही आ रहा है टाइटल, वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट। 19 सितंबर पब्लिश डेट है और 23/9/2023 वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।